हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इज्जू डेयरी फार्म बिहार में। तो आज मैं अपना फिश फार्मिंग भी दिखाऊंगा। जिस तरह आपने देखा हैन फार्मिंग, गोट फार्मिंग, काउ फार्मिंग, तो आज फिश फार्मिंग भी दिखाऊंगा कि आज हमने जो तालाब खाना था उसमें कुछ मछलियां डाला ताकि टेस्ट किया जाए कि वो ज़िंदा रह पाती है या नहीं। लगभग हमको एक वीक हो चुका है उस मछली को डाले हुए, तो दिखाएंगे आज हम उस मछलियों को और अपने पेड़ पौधा जो लगाया है कितना सफल हुआ और कितना असफल, वो सभी चीज़ें आज दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में पूरा देखिए, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पहले उससे पहले हम लोग पूरा फार्म, पहले काउ फार्मिंग का जितना काम है पहले कर लेते हैं, जैसे हमारा मिल्किंग स्टार्ट हो चुका है और उसके बाद खिलाना पिलाना जो भी है वो हम कर लेते हैं आपको फटाफट। पहले यहाँ पे हमारे देख रहे हैं रेड वाली गाय का मिल्क निकाला जा रहा है और उसके बाद हमारी शीतल और इधर सभी गाय, आधे घंटे के अंदर हम सभी गाय का मिल्क निकाल लेंगे। उसके बाद हमारा काम जो है खिलाने का होगा, उसके बाद खिलाकर हम लोग अपना फिश फार्मिंग दिखाने की कोशिश करेंगे। इधर कल शाम का जो हम लोग चलाए थे कुछ बच गया है, उसको पहले साफ़ करवा ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग नया कुट्टी डालकर इसमें सानी वगैरह दे देंगे। ये नमक है और टब में खल है, नमक को हम खल में मिला देंगे और इसी तरह सभी को खल देकर चला देंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं सभी खाने पीने पर लग गए, या मिल्किंग के बाद हम लोग फौरन हम लोग दाना दे दिए जो कि अब सभी बच्चिया हो चाहे गाय हो सभी खाने पे आ गई। अब हम आपको ले चलते हैं फिश फार्मिंग, जो कि हमने मछली डाला है तो वो आप तालाब के पास ले चलते हैं जहाँ पे हमने गड्ढा करवाया था। तो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हैं यही है फिश फार्मिंग। तो हमने बताया था कि इसमें गोबर का पानी या गोबर जाता है तो मछली ज़िंदा रह पाएगा या नहीं। तो हमने एक ही बार जैसे कि एक दिन या दो दिन गाय धुलाया तो उसका पानी जो आया इसमें गया और उसी में हम लोग मछली डाल दिए थे, यानी लगभग हम लोग 12 पीस हम लोग मछली डाले इसमें। तो इसमें अभी एक भी एक्सपायर नहीं की है, इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आया। और हम लोग नाली का रुख जो है, अभी ठंड का मौसम आने वाला है तो हम लोग गाय कम धुलेंगे जिसकी वजह से पानी हमारा कम निकलेगा। तो हमने क्या किया है, इधर से सीधे नाली कर दिया है और उधर साइड में हम लोग पानी छोड़ रहे हैं ताकि कोई भी किसी तरह का समस्या भी ना हो। और इधर हमारा जो है ये जहाँ पे आप खाना हुआ दिख रहे नया, तो इसको हम लोग एक में मिला देंगे और पूरा इतना बड़ा कर देंगे कि लगभग इसमें 1000 मछलियाँ पला जाए। हमारा टारगेट है कि 6 महीने का भी जो गैपिंग होगा, जब तक हमारी गाय गर्मी में नहीं धुलाएगी उससे पहले हमारा जो 6 महीना मिलेगा उसमें हम सोच रहे हैं कि 1000 बच्चा डालकर इससे हम लोग मछली ले सकें। यानी उस मछली का अगर कीमत लगाया जाए तो 45000 का मछली होता है 6 महीने में, और उसमें कॉस्ट अगर खर्च की बात की जाए तो 10000 लगभग खर्च होता है। तो हमारा यही सोच है कि इसमें मछलियाँ डाला जाए, ज़िंदा रह रही हैं तो किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारा बेनिफिट एक हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो दाना आप भूटन भाई लाए हैं, इस दाना हमारा वेस्टेज दाना है, यानी गाय से कुछ मतलब बॉडी जो फट जाता है जो नीचे का गिरा हुआ है, तो ये हमारा मछली का खाने में हो जाएगा, यानी यही दाना हम लोग मछली को खिला देंगे। तो हम लोग ने मुर्गी भी रखा था लेकिन मुर्गी कितना खा पाएगी, हम थोड़ा मुर्गी फार्म भी आपको दिखाएंगे क्या दिक्कत आ रहा है उसमें। तो अभी देखिए इसको दाना देते हैं इसको। तो दाना हमने दे दिया, कम है इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है पानी में कि मछलियां हैं या नहीं हैं। आने वाले दिन में जब ये हमारा गड्ढा पूरा हो जाएगा, फिनिशिंग जब काम इसका हो जाएगा, तो हम लोग का टारगेट है कि 1000 मछली इसमें डाला जाए और बढ़िया इससे लाभ लिया जाए। अब हम चलते हैं बागीचे में, जो हमने बागीचा बनाया था, तो मैं बागीचे का हालत दिखा दूं। यहाँ पे आप जो भी देख पा रहे हैं
ये देखिए, इसमें हमने मिर्च लगाया था और पपीता लगाया था, अमरूद लगाया था, तो तीन चीज़ में जो हमने तीन पेड़ मेला से लाया था उसका पत्ता बकरियां आ ही गई थी। अभी बकरी फार्म का अभी बढ़िया से बना हो चुका है, आगे दिखाऊंगा मैं, तो उसमें अब बकरी आने का कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब बकरियां नहीं आएगी इसमें। तो पत्ता चढ़ गया है लेकिन इसमें जड़ लगा हुआ है, अभी देखेंगे आप करीब से। तो इसका यहाँ पे ये वाला कंची फेंक रहा है, यानी ये फिर होने लगेगा, इसका जड़ जो है हरा है इसलिए फिर से ही फेंक देगा, बरसात का सीज़न है इसलिए ये फेंक देगा, पत्ता चढ़ गया है, ऊपर का फुंगी चढ़ गया है। तो इसके वजह से कोई दिक्कत नहीं आया, लेकिन थोड़ा सा टाइम लॉस हुआ मेरा कि जल्दी नहीं बढ़ेगा, थोड़ा अब इसमें टाइम लगेगा, अब कंची फेंकेगा, अब कंची से ऊपर की ओर जाएगा, तो टाइम मरा मेरा। और यहाँ पे एक नया अमरूद का पेड़ लगाया है, जो कि इसका खासियत ये है कि ये बड़ा बड़ा होता है और गोल होता है और छोट साइज में ही फल देने लगता है और सालों फलता है, इस अमरूद का ये है खासियत। और इसमें बाल्टी के अंदर क्या है, तो हम अमरूद से शौकीन हैं, अमरूद हमको बहुत पसंद है, इसलिए इसमें बाल्टी में उसका कलम, अमरूद का जो पेड़ का कलम होता है वो कलम लगाया हुआ है और छील कर ये लगभग एक हफ्ते में ये तैयार हो जाएगा, इसके अंदर से जो फूंगी या पत्ता बोल सकते हैं वो फेंकना स्टार्ट कर देगा। तो हम एक हफ्ता हो जाते तो तीन दिन, आज तीसरा दिन है, तो जैसे ही एक हफ्ता होता है हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें टमाटर भी लगाया हुआ है, टमाटर इसलिए हमने नज़दीक में लगाया है बकरी के डर की वजह से, हमारा इधर जो है आगे का एरिया वहाँ तक, तो इधर मिट्टी भराव करके हम लोग सोच रहे हैं सब्जियाँ भी लगाएंगे और कुछ पेड़ पौधा और लगाया जाएगा, ताकि हमारा फार्म में अभी तक एक पेड़ भी तैयार नहीं हुआ है, तो हम सोच रहे हैं कि पेड़ होना चाहिए फार्म के अंदर, ज़रूरी है, इतना एरिया खाली है उसमें कुछ ना कुछ होना ज़रूरी है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि अपना पूरा एरिया का कैच किया जाए, उसमें कुछ ना कुछ लगाया जाए, सिर्फ काउ फार्मिंग से ही बेनिफिट नहीं लिया जाए, हर चीज़ से आपका अंदर जो एरिया खाली है उसका यूज़ करें आप, वेस्टेज एरिया ज़्यादा है हमारे पास, तो इसीलिए हम उसको सोच रहे हैं यूज़ किया जाए। तो ये देख लिया आपने कैसा लगा हमारा फिश फार्मिंग, कैसा लगा आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मछलियां मर सकता था जब हम पूरा पानी इसी में अगर लेते, जैसे गोबर का पानी जितना भी डेली धुला जाता, अगर इसी में लेंगे तो शायद दिक्कत हो सकता है, लेकिन अभी हमने रिस्क नहीं लिया है, सोचा है कि आने वाले दिन में देख लेंगे हम लोग कोशिश करके, लेकिन अभी नहीं, जब हमारा वक्त आएगा कि पानी ज़्यादा है तो हम इसमें लेंगे और लेकर देखेंगे कि क्या रिजल्ट मिलता है। तो जब हमारा मछली कम हो जाएगा तभी हम ये रिक्स उठाएंगे, ताकि किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो। अब हम चलते हैं, जो बकरियां का शेड बनाया है उसको आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ से हमारा गोट फार्मिंग स्टार्ट होता है, सभी पे हमें ऐसा लगता है कि एक पोस्टर लगा होना चाहिए कि फिश फार्मिंग किधर है, काउ फार्मिंग किधर है और गोट फार्मिंग किधर है। तो यहाँ से हम लोग इन करेंगे, ये फंसाने का है गेट का, इधर हम लोग इन कर गए, यानी हम लोग गोट फार्मिंग प्लस मुर्गी फार्मिंग में आ चुके हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं सुबह का समय है, सभी बकरियाँ बैठी हुई हैं। तो हम इसका जो रख रखाव होगा, यानी बकरियाँ बाहर ना निकले अपने से, तो ये हम लोगों ने जितना हमारा जो करकट ख़राब हो चुका था, जिसमें छेदा छेदा हो चुका था, जो हमारा उधर बच्चे के लिए हम बनाए थे वो सेट ख़राब हो गया आंधी तूफान से, तो इसका हम लोग घेराव का यूज़ कर लिए। यहाँ पे आप पूरा देख सकते हैं कि इधर हम लोग ने पूरा घेर दिया है इसको, तो अब इसके अंदर से बकरियाँ नहीं निकल सकता है। बांस का हम लोग लगाए थे, तो बांस पर चढ़ कर किसी तरह फांग कर, मतलब तड़प जाती थी, तो अब इसमें नहीं फांगने में बन रहा है, नहीं कुदक रही है, नहीं उधर जा रही है अपने से, तो ये हमारा बेनिफिट हो गया कि हम जितना बकरियां हैं सभी को अंदर रखेंगे, और हमारा बाहर का एरिया है उसका हम कुछ यूज़ करें और हमारा बर्बादी नहीं हो। तो ये आप देख सकते हैं यही है, और इधर का हम बता दें तो ये शेड है, इस पे कुछ बैठती हैं कुछ नहीं बैठती हैं, लेकिन अब जो सीज़न आ रहा है ज़्यादा, अब हम लोग का कोशिश करना है कि इसी पे बैठे और अंदर में रहे, यानी शेड के अंदर में रहे, ताकि शीत से नुकसान हमारा किसी तरह बकरियाँ का नहीं हो, क्योंकि अगर शीत में बैठेंगी तो फीवर का चांस ज़्यादा हो जाएगा, मौसम चेंज हो रहा है और फीवर बकरियां को ज़्यादा लगेगा, बकरियां फिर बीमार होने लगेंगी। तो ये कोशिश है, अब देखिए कितना जल्दी हम लोग करें। और जहां तक हमारा मुर्गी फार्म है, तो अभी
मुर्गी फार्म में कुछ बीमारियां आ गई हैं जिसकी वजह से आपको मुर्गियां कम देखने के लिए मिल रहा है। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ऑटोमेटिक मुर्गियां खाना पीना बंद कर दे रही हैं। आँख जो है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आँख इसका ऑटोमेटिक दोनों आँख फूट जा रहा है, बंद हो जा रहा है आँख, खाना पीना बंद है, सांस लेने में प्रॉब्लम आ रहा है और मुर्गियाँ एक्सपायर कर जा रही हैं। तो इसी तरह यहाँ पे आप दो तीन इसमें मुर्गियाँ अभी भी हैं जो कि झुक रही हैं, आँख इनका एक्सपायर कर गया और इनको सांस लेने में भी दिक्कत आ रहा है। तो ये बीमारी चला हुआ है, इसकी वजह से हमारा जितना भी मुर्गियाँ हैं सभी ख़राब हो गई, एक्सपायर कर गई, इस तरह प्रॉब्लम आ रहा है। चाहेंगे कि आप इसको पूरा ख़त्म करें। देखिए एक एक्सपायर कर गई है, वहाँ पर अंदर देख पा रहे हैं एक एक्सपायर कर गई, तो ये दिक्कत आया। आज इसको हम लोग सफाई करने वाले हैं, चूना का छिड़काव अंदर किया जाएगा क्योंकि इसका गंदगी से बहुत उमस अंदर टाइप अंदर से स्मेल आ रहा है। तो कौन सी बीमारी है ये तो मालूम चला था कि गर्मी की वजह से है, आँख जो फूट जा रहा है या बंद हो जा रही है, अंधी हो जा रही है, तो गर्मी की वजह से बताया जा रहा था। लेकिन गर्मी की वजह से इतना थोड़ी ना है, गर्मी तो है नहीं, रात में सिर्फ अंदर रहती है, दिन में तो हम लोग खोल देते हैं। लेकिन हमें तो लगता है दूसरा बीमारी है क्योंकि और जगह शायद भैया लोग बात किए थे तो बोले थे कि बीमारी चला हुआ है, मर जा रही है। इसी तरह बकरी में भी बीमारी आई थी और मुर्गी में भी, तो बकरियां तो हमारी कोई भी बर्बाद नहीं हुई है, कोई भी एक्सपायर देखने के लिए नहीं मिला, लेकिन मुर्गी में बहुत दिखा, जितना मुर्गी आया था सभी। और ये मुर्गियाँ खास करके जो हमारी नई वाली मुर्गी आई थी, इसके वजह से हमारा जो पहले का पुराना मुर्गी था वो भी एक्सपायर कर गया और ये भी एक्सपायर कर गया, यानी इसी की वजह से हमारा बीमारी फैला। तो इसको हम लोग अभी ख़त्म करेंगे फ़िलहाल के लिए। तो यही हमारा आज का वीडियो में यही सब बातें थी जो कि हमने आज बता दिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डेयरी में दूध कितना देना होगा कि हमारा बेनिफिट होगा, तो वेट कीजिए, जल्द ही वो वीडियो आपको मिलेगा। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, कॉमेंट्स में हमें ज़रूर बताएँ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।